वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पर्ची और खर्ची पर नौकरी मिलती थी, बीजेपी सरकार ने पारदर्शिता के साथ मेरिट पर नौकरी दी है। देखिए जनता टीवी की खास बातचीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त मेरे साथ है। वंदे भारत से चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कर रहे हैं, आज दूसरी बार सफर कर रहे हैं और सरकार का एक आजकल धारा भी है कि नॉन स्टॉप हरियाणा। मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा आपके जो सरकार का कैंपेन है वो यही है, लेकिन नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सरकार ने फुल स्टॉप हरियाणा कर दिया। देखिए, इसके ऊपर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा होना चाहिए, और वो नॉन स्टॉप हरियाणा होना चाहिए जिसमें गरीब की बेटियों को फ्री शिक्षा दी जाती है, जिस हरियाणा के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, जिस हरियाणा के अंदर हमारे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिलता हो, जिस हरियाणा के अंदर हमारे लोगों को घर बैठे हुए पेंशन बन करके आ जाती हो, जिस मेरे हरियाणा के अंदर विकास को लेकर के कोई भेदभाव न बरता जाता हो, समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास होता हो, मेरे हरियाणा के अंदर भाई भतीजा वाद न पनपता हो, मेरे हरियाणा के अंदर परिवार वाद न पनपता हो, ये तो बापू बेटे की पार्टी है। हमारा मांग रहे सर आपसे, आप भी मांग रहे हैं। देखिए, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता तो वो दूसरे का हिसाब मांगेगा, वो उसके पास बताने के लिए तो कुछ नहीं है। अरे भाई, कम से कम जो आपके पास है, जो आपने किया है, चाहे आपने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के बारे में ही बताना चाहिए भी, हमने भाई इस तरह लुटे लोगों को, ये हालत खराब किया लोगों की, हर पर्ची खर्ची को ऊपर हम नौकरी देते थे, ये बताना चाहिए उनको। स्टेडियम में एक अनोखी तस्वीर थी सर, 7,500 युवाओं को आप संबोधित कर रहे थे, हर एक चेहरे पर खुशी थी, बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देने की आपकी नीति जो वो सफल रही है सर। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, उसका एक बड़ा मैसेज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि सरकार ने ये युवाओं को जो सम्मान दिया है ये कोई नहीं दे सकता, इसके पीछे एक स्टैंड लेकर इस सरकार ने काम किया है। परंतु कांग्रेस की सरकारों में तो पर्चियों के आधार के ऊपर, खर्ची के आधार के ऊपर नौकरी देते थे, लिस्टें बनती थी, और कोई अगर ज़्यादा देने वाला भी आ जाता था उसका भी नाम पड़ जाता था, और जो थोड़ा देता था उसका पीछे रह जाता था। इस प्रकार का तंत्र डेवलप कांग्रेस के शासन में था, और कांग्रेस के लोग चाहते हैं, उनकी तो ही सोच रहती है। अभी भी मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता ये बात बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम पोर्टल को हटा देंगे, ओपीएस लागू कर देंगे, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ओपीएस लागू कर देंगे, ये अब सब कुछ बोल लेंगे। ये हुड्डा साहब को पूछना चाहिए कि आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं इसके ऊपर, आप ये बताइए ये बंद किसने की थी, ये कांग्रेस ने ही बंद की थी, कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने इसको बंद करने का काम किया, आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं, आप को बताना चाहिए लोगों को, प्रदेश के लोगों को, कि ये ओपीएस हमने ही बंद किया था और हम ही वो जूता दोबारा खाने के लिए तैयार है। पेरिस ओलंपिक चल रहा है सर, लेकिन ये जो है वो हुड्डा साहब करेंगे, पदक लाओ पद पाओ नीति हमारी थी, मौजूदा सरकार की खेल नीति सही नहीं है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कहा है आपने, इनकी पदक लाओ और पदक पाओ बस यही तक सीमित था, कहने के लिए था, व्यवस्था के लिए नहीं था, उनको सुविधा के लिए नहीं था, बस इतना था। उन्होंने कह दिया था कि जो हमारा खिलाड़ी है वो अपना खर्चा करे, खर्चा करके पद लेकर के आए, फिर हम उसको सम्मान देंगे, ये इसकी नीति थी। परंतु हमारी नीति, अगर कोई बच्चा तैयारी करता है ओलंपिक के लिए भी जाता है, तैयारी के लिए भी उसको सम्मान देते हैं, और जब वो वहाँ जाता है उसके लिए भी हम 5 लाख रुपया देते हैं प्रतिभागी को, वो भी पैसा देते हैं, और जब वो पद लेकर के आता है फिर उसको बड़ा सम्मान देते हैं। आपने कमेटी बनाई है अधिकारियों की, उसमें आप करेंगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर विचार करेंगे? बिल्कुल, मैंने अधिकारियों को कहा है कि हमारे जो भी कर्मचारी हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं उसके लिए आप एक योजना एक पॉलिसी लेकर के आएं, जिससे कि उनके सम्मान के बारे में विचार करके उनको कहीं ना कहीं सम्मान दिया जा सके। अंतिम सवाल है सर, अभी 4 तारीख से आप कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं सर, तीसरी बार सरकार का जो आपका दावा है, ये अभी 4 तारीख से प्रचार में उतर जाएंगे पूरी तरह से?
नहीं देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों का कहना कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। मैं हरियाणा वासियों को एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी हरियाणवी के सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, मेरी सरकार कम नहीं होने देगी। उन लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात और ताकत से काम करने का मैं कार्य करूंगा। बहुत शुभकामनाएं सर, आपका सफर शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार वंदे भारत से दिल्ली का सफर हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर पर उन्होंने आज जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी जो है, उसके ऊपर बड़ा हमला बोला है। उनका ये कहना है कि विपक्ष हिसाब मांग रहा है, लेकिन उससे पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जो है वो विपक्ष को देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, वंदे भारत के अम्बाला से।